झलक मेरे
प्रचुर हो रहा है, जो नए भाई मुख्य तरह की जो सीट है जिसका आविष्कार के साथ साथ उसको जम्मू में उसको अमल भी किया जा रहा है। बहुत सारे खेतों में बहुत सारे कृषक किसान के साथ में उस पर काम किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी झलकियाँ मुझे यहाँ देखने को मिली और सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे गर्व है यह भी बताते हुए कि कठुआ के इस तरह के सक्सेस स्टोरी को हमें दिल्ली में भी देखने को मिला। मैं दिल्ली में अभी मैंने प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर का भी चार्ज किया है, जे की हाउस को दिल्ली में देखते हैं, वहाँ एक जे की उत्सव के नाम से वहाँ पिछले 10 दिनों से एक प्रदर्शनी भी चल रही है, सेलिंग चल रहा है और एक हफ्ते के अंदर करीब 50 लाख का वहाँ पर सेल हुआ। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि कठुआ से भी आए हुए, जिसमें कि बसौली की पेंटिंग भी है, जिसमें बसौली का शॉल भी है, जिसमें जो अभी अभी छोटे छोटे आप एक तरह की चीज या बैम्बू कलर्स दिखा रहे हैं कि बांस से आपने कुछ बताया है, इस तरह का अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी है। तो असीम यहाँ पर संभावनाएं हैं और मेरा यह भी शुभकामना है कि ये जो संभावना है जो महिला समूह के माध्यम से हो रहा है, यूथ ग्रुप के माध्यम से हो रहा है, इसको तो आप आगे बढ़ाते ही रहिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक ओवरऑल जो आप लोगों ने एक सिटी प्लान की बात कही, ब्यूटिफिकेशन की बात कही है, ओवरऑल जो लोग जहाँ पर आपका डेवलपमेंट से आप जिस नजरिए से हर चीज को बारीकी से लेकर के आए हैं, मुझे लगा कि इसमें बहुत मैच्योरिटी भी मुझे दिख रही थी और इस मैच्योरिटी से मैं पूरी तरह से मुझे यह महसूस होता है कि जिला प्रशासन को हमारे जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत बहुत मदद मिलेगी। आज आप जितने भी आगे सुझाव लेकर के आए हैं उसको समयबद्ध तरीके से काम करने की, और मैं यही गुजारिश भी करना चाहूँगी कि इस प्लान को एक समयबद्ध तरीके से जरूर इसको पिरोया जाए और इसके साथ ही साथ जो कुछ जिस समयबद्ध तरीके से संभव है उसको आपके साथ शेयर भी किया जाए। तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो और अभी भी है, जैसे जन भागीदारी पोर्टल है, मुझे नहीं पता आप लोग कितने उस पोर्टल को देखते हो, तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर होता है कई बार अगर संवाद जो है लगता है कि सिर्फ पब्लिक दरबार तक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी उसको जरूर देखिए। मैं ये एनकरेज करना चाहूँगी कि जो पोर्टल पे जो दिखता है कि क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि कई बार जब काम की संख्या बढ़ती है आपको नहीं पता है कि सब काम एक साथ नहीं हो सकता है, तो आप यह देख सकते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या काम अगले साल के लिए रखा गया है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका ये जो सतत एंगेजमेंट है वो सिर्फ एक दिन का फिट नहीं रहेगा, कोई रेगुलर एंगेजमेंट रहेगा। और इसके साथ ही हम लोग यह भी चाहेंगे कि जब काम होता है तो उसकी गुणवत्ता को भी आप जरूर देखें। अगर काम नहीं ठीक हो रहा है उसी समय आप बताएं, क्योंकि कई बार बहुत देरी के बाद जब बताया जाता है तो वो नुकसान हो जाता है। तो हम लोग सब चाहते हैं जो भी कार्य किया जा रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी काम हो। इसमें भी समूह से अपील है कि वो अपनी तत्परता को, अपने अलर्टनेस को बनाए रखेंगे, उसके अंदर आपका जितना सहयोग हो सकता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके सहयोग से उस काम की रफ्तार भी बढ़ेगी, उस काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना के साथ साथ जो है आशा करती हूँ कि जितना मैंने अच्छी आपके कार्य है यहाँ पर सुना है तो आगे आने वाले दिनों में कठुआ को जिस ऊंचाई पे आप लेकर के जा रहे हैं उसको हम लोग सब एक साथ मिल करके जो है एक गर्व के साथ देख पाएंगे।